सोशल वर्क की सीरीज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिलेबस वाइज चलेंगे। तो आप अपना सबसे पहले इसका सिलेबस डाउनलोड कर लो, इसमें सारी यूनिट बाई यूनिट चलेंगे, ठीक है। यूनिट वन से लेके जितनी भी यूनिट होंगी 6 to 7 ये सारी हम करेंगे। इसमें बीच बीच में हम क्या करेंगे, जो भी करंट अफेयर के इशू आएंगे, ठीक है, वो मैं उसको ऐड कराते रहूँगा। आपका काम क्या है, सारे लेक्चर जितने भी होंगे उसकी एक सीरीज जो बन जाएगी लास्ट में, उसको आपने नोट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब आप नोट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको पता लगेगा ना पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही इफिशियंट मैनर में, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट है 140+ का, बहुत प्यार से 140+ आ जाते हैं अगर आप इसी चीज़ को फॉलो करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि सोशल वर्क का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ सोशल वर्क, सोशल वर्क जो है अगर हम ध्यान से इसको देखें तो बहुत ही एंशिएंट टाइम में होता था, लेकिन तब ये सोशल वर्क नहीं होता था, तब होता था फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, ठीक है। आपने बहुत सारी सिविलाइजेशन पढ़ी होंगी, ठीक है। तो सब में क्या होता था, जो दान देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब सिविलाइजेशन जो उसका डेवलपमेंट हुआ तो जितने रिच लोग थे, ठीक है, रिचर जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, टेम्पल्स में, ठीक है, दान किया करते थे। वो जो टेम्पल्स में दान आता था वो लोगों की सोशल सर्विस में काम आता था, ठीक है। जो पुअर्स थे उनके अपलिफ्टमेंट में काम आता था। तो ये जो सब था सोशल वर्क पहले से था, लेकिन तब से सोशल वर्क इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी थी ये जो थी साइंटिफिक वे में भी नहीं थी, ठीक है, साइंटिफिक और प्रोफेशनल वे में नहीं थी, ठीक है ना। तो अगर हम इनको इन शॉर्टकट करें तो हमें पता चलेगा वो भी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी जब साइंटिफिक, ठीक है, और प्रोफेशनल मोड को अडॉप्ट कर लेती हैं तो वही सोशल वर्क बन जाता है, ठीक है। तो अब इस सोशल वर्क का ओरिजिन हम पढ़ेंगे, इस पे एक क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत डायनेमिक होगा, तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारा बेस होगा, ठीक है, बेस हम प्रोवाइड करेंगे अलग अलग कंट्री से, ठीक है। बेस हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, यूके में सबसे पहले सोशल वर्क कैसे आया, यूएसए में कैसे आया, इंडिया में कैसे आया, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सोशल वर्क जो है, ये जो क्या है, सबसे पहले हमने पॉइंट पकड़ा मोर देन चैरिटी, ठीक है, चैरिटी नहीं है ये, पहली बार चैरिटी इज ए पार्ट ऑफ सोशल वर्क, बट सोशल वर्क इज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन चैरिटी। वाई, बिकॉज इट टेक्स प्रोफेशनल वे, ठीक है, साइंटिफिक वे, ठीक है, एंड एक्सपर्टाइज इन ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, शॉर्ट में करें कि सोशल वर्कर मतलब जो सोशल वर्क करता है, सोशल वर्कर वही हो सकता है जिसके पास क्या हो, प्रोफेशनल, ठीक है, एक्सपर्टाइज हो, ठीक है, मतलब उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो सोशल वर्क कहलाएगा, ठीक है, वर्कर कहलाएगा, नहीं तो वो सोशल वर्कर नहीं होगा, तो क्या होगा वो कहलाएगा सोशल एक्टिव, ठीक है। इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आइडिया दे दिया आपको कि सोशल वर्क क्या के लिए क्या जो है नेसेसरी कंडीशन है, वो है एक्सपर्टाइज इन ह्यूमन स्किल। उसको जो इंसान के जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उनके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो सोशल वर्क कर पाएगा, नहीं तो वो एज ए सोशल एक्टिविटीज काम करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका हिस्टोरिकल, ठीक है, एस्पेक्ट चेक करेंगे कि सोशल वर्क कैसे आया। सबसे पहले क्या था, इसको लाइन वाइज आपको याद करना पड़ेगा, 1750 BC में, ठीक है, बेबीलोन एक जगह का नाम था, यहाँ के जो राजा थे किंग, ठीक है, उनका नाम था हमरूबाई, ठीक है। ये जो नाम है ना ये आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। इन्होंने बोला था कि हेल्पिंग ऑन एन अदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्डशिप इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, ठीक है।
तो मैं उसको समराइज कर देता हूँ। इन्होंने बोला था आप यही लाइन वहाँ आंसर में लिख के आना जब इसकी शुरुआत करोगे, हेल्पिंग ऑन एंड अदर ड्यूरिंग टाइम ऑफ हार्डशिप इज ड्यूटी ऑफ एवरीवन। ठीक है, तो उन्होंने एक बेस प्रोवाइड करा कि हमें हमेशा जिस जो कठिन परिस्थिति में हो उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, ये मानवता की एक ड्यूटी है। ठीक है, तो 1750 BC में बोला। ठीक है, दूसरा हम एविडेंस देंगे 1200 BC का। ठीक है, तो जो ज्यूस थे, ठीक है, तो उनकी फिलॉसफी कहती थी कि गॉड एक्सेप्ट देम टू हेल्प पीपल इन नीड। ठीक है, तो ये उनकी फिलॉसफी थी कि जिसको जरूरत हो उस समय लोगों की हेल्प करना, जो करेगा वो भगवान उसी को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम जीसस की दिखाएंगे। तीसरी हम दिखा देंगे, ये ज्यूस थे, अब आएंगे जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट की जो मेन थी वो ये थी, हेल्पिंग अदर्स एंड लव अदर्स पीपल इज द विल ऑफ गॉड। ठीक है, तो हेल्पिंग अदर्स, ठीक है ना, और लव अदर्स, ठीक है, इज द विल ऑफ गॉड। तो ये भगवान की मर्जी होती है कि हम दूसरों की सहायता करें। विल मतलब इच्छा, तो भगवान की इच्छा है कि हम दूसरों की सहायता करें और लोगों से प्यार करें। तो इन तीन अटैचमेंट हुए, उस और भी अटैचमेंट हुए, आपको जो दो अच्छे लगे या तीन लगे वो आप ले लेना। ठीक है, 600 AD में, ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद साहब ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि पीपल हैड एन ऑब्लिगेशन टू द पुअर बाय पेइंग जकात। ठीक है ना, एक तरह का ये दान हो गया। तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है कि हम हमेशा लोग पुअर लोगों को जकात दें। ठीक है, जकात का मतलब कि उनको हम दान पुण्य दें, उनको सहायता करें। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्रिश्चियन से हमने पढ़ लिया, ठीक है, मुस्लिम से पढ़ लिया हमने, ठीक है, बेबीलोन का किंग पढ़ लिया हमने, ज्यूस पढ़ लिया, अब हिंदू धर्म का आ जाते हैं, जो हमारे ऋग्वेदा है। ठीक है, ऋग्वेदा कहते हैं कि मे वन हु गिव्स साइन मोस्ट। ठीक है, जो जिसकी देने की प्रवृत्ति होती है, मतलब जिसकी लोगों को सहायता करने की होती है, वो सबसे ज्यादा चमकता है, और एकदम ट्रू भी है। ठीक है, हमारे जो उपनिषद हैं वो कहते हैं कि एवरी हाउस, ठीक है, होल्डर मस्ट प्रैक्टिस चैरिटी। इस सभी घर वालों को, जितने भी घर लोग हैं उनको चैरिटी देनी चाहिए। तो ये हमारे उपनिषद ने बोला था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लास्ट अटैचमेंट देंगे गीता का। तो जो भगवद गीता थी उसमें लॉर्ड कृष्णा ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था लॉर्ड कृष्णा ने कि आई हैव नो राइट टू ईट माई फूड अनलेस आई एश्योर माई नेबर गेट फूड। जब तक मैं अश्योर निकल लूँ कि मेरा पड़ोसी आज भूखा नहीं सोया है, तब तक मेरे को भी खाना नहीं खाना चाहिए था, ये लॉर्ड कृष्णा ने बोला था। तो हमने ये सारे एंशियंट, ठीक है, जितने भी हमारे रिलीजन हैं, ठीक है, तो हमने उनकी मोटी मोटी फिलॉसफी हमने पढ़ ली। ठीक है, तो ये फिलॉसफी हम कोई भी तीन या चार ऐड कर लेंगे, अगर टाइम ज़्यादा हो तो सारे धर्मों की कर लेना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले उसमें देखेंगे कि यूके में, यूएसए में और इंडिया में सोशल वर्क का डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये अभी मैं बताता हूँ दूसरे उसमें।
सबसे पहले क्या होता था यूके में, ठीक है, ब्रिटेन में जितने भी चर्च थे, ठीक है ना, ये क्या करते थे, जो नीडी पीपल थे उनकी हेल्प करते थे, ठीक है। और चर्च के पास पैसा कहाँ से आता था, आपको पता होगा कि फ्यूडल सिस्टम होता था पहले, जिसको सामंतवाद बोलते हैं हिंदी में। तो जो फ्यूडल सिस्टम थे, ठीक है, जो रिच क्लास थी, ठीक है ना, वो डोनेशन देती थी चर्च को, और चर्च वो पैसा किसको देती थी, नीडी पीपल को। तो ये एक जनरल वे में वहाँ पे फिनोमिना चलता था। जब क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे जब रैनिसा स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो जब रैनिसा आया उसके बाद लोगों के अंदर क्या आई, रैशनलिटी आई, ठीक है। लोगों ने क्या करा, चर्च पे विश्वास करना एक तरीके से कम कर दिया, क्योंकि चर्च के अंदर काफी सुपरस्टिशियस नेचर जो था उनका बढ़ चुका था, ठीक है। तो लोग जो हो गए फिर स्टेट पे ज्यादा डेवलप हो गए, कि डेवलप डिपेंड इसलिए हुए क्योंकि वो चाहते थे कि अब स्टेट करे, जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटी है वो चर्च के, चर्च ना करे स्टेट करे, क्योंकि चर्च जो करता था पार्शियल नेचर में करता था, ठीक है। तो फिर जब स्टेट आया तो सबसे पहले स्टेट का आया एलिजाबेथ प्लान, ये आपको ऐसे का ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिजाबेथ का पुअर्स प्लान बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आया था आपका 1601, ठीक है। जब ये आया तो उन्होंने क्या करा, तीन क्लासों में जो डिसेबल पीपल हैं, नीडी पीपल हैं, जो डेस्टिट्यूट्स हैं, जो पुअर हैं, उनको बांटा। जितने भी इन्होंने करा एबल्ड बॉडी बैगर थे, ठीक है, मतलब जो भिक्षा मांगते हैं, जिनकी शरीर पूरी तरीके से सही है, उनको क्या करा, वर्क हाउस में डाला कि वो कहीं काम करें, ठीक है। ये गवर्नमेंट होते थे स्टेट के स्पॉन्सर्ड, जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, पुअर थे, उनको डाला उन्होंने आर्म्स हाउस में, ठीक है। जो डिपेंडेंट थे चिल्ड्रन, ठीक है, उनको डाला उन्होंने डोमेस्टिक हेल्प के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। लेकिन इसकी भी काफी खामियां थी, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने इसके 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब एलिजाबेथ प्लान फेल क्यों हुआ, ठीक है, अगर जब ये फेल हुआ तो इसको रिप्लेस किसने करा, ठीक है। तो आपको 1942, ठीक है, बेवरिज रिपोर्ट, ठीक है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निकाली थी, तो इसका नाम याद रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या था वो मैं बताता हूँ।